नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में, और अब हुकूमत इनकी बनी, बन के 100 दिन भी नहीं हुए आपने वफ़ का कानून ला लिया, 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए, मुसलमानों के पीछे।